नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीनेट की वार्षिक बैठक में 6 अरब रुपए घाटे का बजट हुआ पेश। हंगामे के बीच सदस्यों ने अधिकारियों की खोली पोल। राजेंद्र मंडल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रंगदारी और जमीन विवाद को लेकर हुई थी हत्या। इंटरमीडिएट परीक्षा में लगातार जारी है छात्रों द्वारा नकल करने का सिलसिला। दूसरे के बदले परीक्षा देते, फिर पकड़े गए 2 छात्र, एक निष्कासित। एक्शन में दिखे डीएम, नाथनगर प्रखंड और रेफरल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। और ओएलएक्स पर आईफोन बेचने की कोशिश पर युवक को लगी चपत। ग्राहक बनकर आया बदमाश, मोबाइल लेकर हुआ फरार। अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट बुधवार को सीनेट से पास हो गया। टीएनवी कॉलेज प्रशाल में हुई अधिषद की विशेष बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 605,19,47,379 रुपये घाटा के बजट को अनुमोदित कर दिया गया। इसके पूर्व टीएमबीयू ने सीनेट के पटल पर रखा कि वह अपने आंतरिक स्रोत से सिर्फ 12,15,00,000 रुपये की कमाई ही कर सकता है, जबकि वित्तीय वर्ष के लिए करीब 6 अरब के खर्च का अनुमान लगाया गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार अगर आंतरिक स्रोत की राशि को घटा दिया जाए तो इस बार टीएमबीयू में 5,96,17,18,952 रुपये घाटे का बजट पेश हुआ है। अब यह बजट राजभवन और सरकार के पास जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय को संबंधित राशि मिलेगी। सदन में प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने बजट पेश किया। इधर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के अध्यक्षीय भाषण के बाद संभावना थी कि कुछ मामले को लेकर सदन में काफी हंगामा हो सकता है, लेकिन सदस्यों ने सदन की मर्यादा का ध्यान रखा। इस बीच सीनेट सदस्य अर्जुन यादव, प्रवीण सिंह कुशवाहा, मुजफ्फर अहमद, विलक्षण रविदास, पुरुषोत्तम झा, प्रोफेसर डीएन रॉय समेत कई मेंबरों ने अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाया, जबकि जयप्रीत मिश्रा, भरत सिंह जोशी और डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने छात्र हित की बात उठाई। इस दौरान सीनेट सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़े किए, जिसका उत्तर सीनेट अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने दिया। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय के विकास के लिए सीनेट सदस्य आगे भी मिलकर कार्य करेंगे। वहीं बैठक के पूर्व बजट और एजेंडों की हार्ड कॉपी नहीं मिलने पर सदस्यों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 605 पन्नों के बजट में कई जगह त्रुटि है, जिसे छिपाने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारी हार्ड कॉपी नहीं देते हैं। इसके पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने सदन में सभी सदस्यों का स्वागत किया, साथ ही कुलपति और प्रति कुलपति को मंच पर आमंत्रित किया। अधिषद की वार्षिक बैठक में DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, प्रॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत सिंडिकेट सदस्य, PG हेड, कॉलेज प्राचार्य और कई अधिकारी मौजूद थे। इधर सीनेट बैठक में किसी प्रकार का हंगामा न हो, इसको लेकर TNV कॉलेज कैंपस में विश्वविद्यालय OP इंचार्ज श्रीकांत चौहान समेत सुरक्षा बलों को काफी संख्या में लगाया गया था। सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के प्राकृतिक बजट
राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर आधारित है। 3 साल दिया गया था ऑपरेशन, बाद में इसका ऑपरेशन वापस ले लिया गया और डिप्लोमा दे दिया गया, डिप्लोमा कोर्स करने के लिए। पटना के बाद कला केंद्र कहीं और है नहीं, सीधा कलकत्ता में है। हम चाहते हैं कि इस कला केंद्र को ऑपरेशन दिया जाए डिग्री का। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को राजेंद्र मंडल हत्याकांड मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त निरंजन मंडल और पिंकू मंडल को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही दो अलग अलग धाराओं में 5-5 साल की सजा सुनाते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं लोक अभियोजक सत्यनारायण शाह ने कहा कि सभी सजा साथ साथ चलेगी, जबकि 30,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि सुल्तानगंज निवासी राजेंद्र मंडल की बदमाशों ने रंगदारी और जमीन विवाद को लेकर 23 दिसंबर 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजेंद्र मंडल की पत्नी सुनीता देवी ने सुल्तानगंज थाना में केस दर्ज कराते हुए निरंजन मंडल, पिंकू मंडल, अरुण मंडल और प्रमोद मंडल पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इसके पूर्व वर्ष 2006 में भी राजेंद्र मंडल पर 4 बदमाशों ने गोलियां चलाई थी, जिस मामले में 4 आरोपी जेल भी गए थे। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर के न्यायालय में सत्रवार संख्या 385/18 में निर्णय सुनाया गया, जिसमें इसमें अभियुक्त पिंकू मंडल और निरंजन मंडल ट्रायल फेस कर रहे थे, जिससे कि 384/34 में 5 साल की सजा और 5,000 रुपया जुर्माना। इंटर की परीक्षा के दौरान भागलपुर TNB कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी के बदले दूसरे परीक्षार्थी एक बार फिर से परीक्षा देते पकड़े गए। बता दें कि इसके पूर्व भी इस केंद्र पर 3 दर्जन से अधिक फर्जी परीक्षार्थी को दूसरे के बदले परीक्षा देते रंगे हाथों पकड़ा गया था। बुधवार को पहली पाली में नन हिंदी की परीक्षा चल रही थी, जिसमें AK गोपालन इंटर कॉलेज के छात्र राजेश कुमार के बदले अनुज कुमार और हनी कुमार के बदले विकास कुमार को परीक्षा देते पकड़ा गया। इसके अलावा ताड़र कॉलेज के संतोष कुमार को मोबाइल से नकल करते पकड़े जाने पर निष्कासित कर दिया गया। वहीं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार एवं सहायक केंद्राधीक्षक डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती ने बताया कि TNV कॉलेज में सख्ती के साथ जांच की जा रही है और यहां किसी भी सूरत में कदाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कुल 3 लड़के को एक्सपल्शन हुआ है, उसमें से 2 लड़के ऐसे थे जो दूसरे के बदले में बैठे हुए थे। उसमें से एक दोनों AK गोपालन कॉलेज का है, एक अनुज कुमार है जो कि राजेश कुमार के बदले बैठा हुआ था और दूसरा विकास कुमार है जो कि हनी कुमार के बदले बैठा, और एक लड़का और है जो ताड़र कॉलेज का लड़का संतोष कुमार जो मोबाइल से चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। बुधवार को DM नाथनगर अंचल और प्रखंड कार्यालय का जायजा लेने पहुंचे, जहां DM ने COVID-19 मद में IVA की कैश बुक पंजी की जांच कर अविलंब अपडेट करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इसके अलावा नाथनगर रेफरल अस्पताल परिसर में अतिक्रमण देख DM ने CO को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। DM ने नाथनगर अंचल व प्रखंड कार्यालय के अलावा रेफरल अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। साथ ही आधार कार्ड व वृद्धा पेंशन के पेंडिंग पड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए वीडियो को निर्देश देते हुए DM ने बुनियाद केंद्र में नेत्र जांच से संबंधित व्यवस्था को अविलंब दुरुस्त करने और फिजियोथेरेपी विभाग को भी अपडेट करने की बात कही। वहीं रेफरल अस्पताल में DM को देखते ही रजिस्ट्रेशन काउंटर पर बैठे कर्मी मास्क लगाने लगे, जिस पर DM ने सभी कर्मियों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की कड़ी हिदायत दी। देखिए, प्रखंड अंचल को हम लोगों ने देखा, कैशबुक में जो भी कमी है उसको सुधारना है। राशि अभिश्रव में पड़ी हुई है, अलॉटमेंट है, तो उसका फरवरी मार्च का महीना भी आ रहा है, फरवरी तक ही निकासी होनी है, मार्च बिल्कुल 15 तक सारा कम्प्लीट कर लेना है। हम लोगों ने निर्देश दिया है कि राशि की निकासी हो जाए। यहाँ अस्पताल में जो इंक्रोचमेंट अभी देखने को मिला प्रवेश के रास्ते में, तो अंचल अधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि सभी ऐसे उपाय करेंगे कि इंक्रोचमेंट नहीं हो, और अगर लोग जानबूझ करके इसमें इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक और जहां डिजिटलाइजेशन के दौर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं,
तो वहीं आए दिन हो रही ऑनलाइन ठगी के शिकार होने वालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। ताजा मामला भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जब्बारचक निवासी मोहम्मद तबरेज खान को OLX पर आईफोन और एप्पल वॉच सेल करनी भारी पड़ गई। दरअसल मोहम्मद तबरेज खान ने अपना मोबाइल और ब्रांडेड घड़ी बेचने के ख्याल से OLX पर उसकी जानकारी साझा की, जिसके बाद बूढ़ानाथ निवासी बताकर अनिश नाम से एक व्यक्ति ने उससे आईफोन और घड़ी लेने की इच्छा जताई और मिलने को कहा, जिस पर वो मोहम्मद तबरेज अनिश से मिलने को तैयार हो गया। घटना को लेकर मोहम्मद तबरेज ने बताया कि अनिश भाड़े की गाड़ी से आया था और आईफोन के साथ घड़ी को भी खरीदने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक बार फिर घर वालों को दिखाने के नाम पर मोबाइल और घड़ी अपने घर ले जाने की इच्छा जताई, जिस पर तबरेज ने अपने छोटे भाई को भी अनिश के साथ भेज दिया। तबरेज ने कहा कि छोटे भाई को झांसे में लेकर अनिश और ड्राइवर मोबाइल और घड़ी लेकर फरार हो गया। बता दें कि अनिश ने ड्राइवर अजय कुमार को अपना घरेलू ड्राइवर बताया था, जिस पर ड्राइवर ने भी सहमति जाहिर की थी। वहीं अनिश द्वारा मोबाइल और घड़ी लेकर फरार होने के बाद जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो पता चला कि गाड़ी खंजरपुर निवासी मिंटू खान की है और अजय उसका ड्राइवर है। बहरहाल मोहम्मद तबरेज ने ततारपुर थाना में अनिश और ड्राइवर अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। नहीं, हम ये इनका कहना ये अब बोलेंगे सबके सामने ये कहा कि मेरे फैमिली ड्राइवर है। फोन नंबर अच्छा, युवक को आप जान नहीं रहे हैं? नहीं जान। वो अपना एड्रेस क्या बताया? एड्रेस तो यही बताया हमको कि बस यही है। नाम क्या बोला? नाम अनिश बताया। इसमें अनिश नाम और कोई लड़के नहीं? तो आपने ये बात कैसे बोला कि हमने फैमिली ड्राइवर है? मैं भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथपुल रेलवे पटरी पर मंगलवार की रात्रि हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान खरमनचक निवासी अनुज चौधरी के पुत्र गौतम चौधरी उर्फ जॉर्डन के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि गौतम की संगति कुछ असामाजिक तत्वों के साथ हो गई थी, जिस कारण वह अक्सर घर से बाहर रहता था। परिजनों की माने तो गौतम नशीले पदार्थों का सेवन करता था और अक्सर नशे में धुत रहता था। साथ ही कहा कि मंगलवार को वह हमेशा की तरह बाहर निकला, लेकिन देर शाम गौतम के साथियों से हादसे की खबर मिली। वहीं जानकारी मिलते ही परिजनों ने गौतम को इलाज के लिए JLNMCH अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सिल्लीगुड़ी अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि सिल्लीगुड़ी ले जाने के क्रम में ही गौतम की मौत हो गई। इधर पुत्र की मौत से माता पिता काफी सदमे में हैं। वहीं घटना को लेकर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, जबकि शाकचक थाना पुलिस और GRP मामले की छानबीन में जुट गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सनोखर के किसानों के हित के लिए दिल की सुने मोतीलाल भगत को चुने, नेक दिल नेक इरादे। सनोखर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड पैक्स अध्यक्ष पद के शिक्षित सुयोग्य क्रमट समाज सेवी युवा उम्मीदवार मोतीलाल भगत उस अक्कू भगत के चुनाव चिन्ह पुल छाप क्रमांक संख्या 5 पर बटन दबाकर विजय बनावे। मोतीलाल भगत का वादा, किसानों का स्वर्णिम भविष्य है इरादा। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर चंपापुल घाट बम भोकरा शिव मंदिर प्रांगण में मां गंगा के स्वरूप चंपा की आरती की गई। चंपा आरती का आयोजन गंगा स्मरण अभियान के जिला संयोजक राहुल कुमार के नेतृत्व में मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा मैया का पूजन कर चंपा गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प भी लिया गया।
वहीं नाथनगर प्रभारी अंजलि घोष ने कहा कि मां गंगा की नियमित आरती करनी चाहिए और नदियों की स्वच्छता का कार्य भी किया जाना चाहिए, जिससे चंपा नदी अपने पुराने गौरव को हासिल कर सकेगी। हम लोग गंगा समर्थ की ओर से आए हैं, दो दिन पूर्व भी आए थे। इस पूरे एरिया का हम लोग साफ सफाई किए, पानी से धुलाई सब कर दिए। आज से यहाँ पर हम लोग गंगा आरती शुरू करेंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम है कि हर पूर्णिमा को हम लोग यहाँ गंगा आरती करेंगे। नाथनगर ललमटिया थाना परिसर में बुधवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने की। इस दौरान माँ सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे और अश्लील गाना नहीं बजाने, प्रतिमा नदी के बजाय तालाब में विसर्जित करने, लाइसेंस अनिवार्य रूप से लिए जाने, कमेटी के सदस्यों का मोबाइल नंबर देने सहित कई बातों पर चर्चा की गई। साथ ही बताया कि हुड़दंग करने वालों की सूचना थाना को दी जाएगी ताकि समय पर पहुंचकर पुलिस आवश्यक पहल कर सके। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रशासन को अपनी ओर से भरपूर सहयोग करने का भरोसा दिलाया। भागलपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन काफी सक्रिय नजर आ रही है। आए दिन सड़क पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण अक्सर लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इसी को लेकर बुधवार को NCC 23 बटालियन की ओर से भागलपुर के कचहरी चौक पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जहां NCC के कैडेटों ने सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमावली का पालन करने की अपील की। मौके पर NCC के अधिकारी समेत कई कैडेट और ट्रैफिक पुलिस मौजूद थे। अमरपुर विधायक जयंत राज कुशवाहा को बिहार सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल करने पर अमरपुर के NDA कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी को लेकर भाजपा के नगर अध्यक्ष गौतम मोदी के नेतृत्व में बस स्टैंड पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मौके पर मौजूद नगर अध्यक्ष गौतम मोदी ने बताया कि अमरपुर विधायक को ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री बनने पर जिलावासियों में खुशी की लहर है। वहीं वरीय नेता चंद्र भानु महतो ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवा मंत्री के रूप में जयंत राज का चयन कर बांका जिला वासियों का दिल जीत लिया है और अब बांका जिला के अमरपुर प्रखंड समेत पूरे बिहार में विकास की गंगा बहेगी। कहलगांव अनुमंडल स्थित सनोखर के तेलंधा में आज भाजपा सनोखर मंडल अध्यक्ष अनुज दुबे की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष रोशन सिंह और विजय कुशवाहा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को कई सुझाव भी दिए। वहीं जिला उपाध्यक्ष विजय कुशवाहा ने कहा कि भाजपा मेरी नहीं, हम सभी की पार्टी है, मतलब इस पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता बल्कि सभी के सहमति से पार्टी निर्णय लेती है। बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तीन डोबा गांव में पेड़ काटने के दौरान एक व्यक्ति डाल से दबकर जख्मी हो गया। पेशे से राजमिस्त्री का काम करने वाला 50 वर्षीय राधे तांती का दोनों पैर घटना में टूट गया है, जिसके बाद जख्मी हालत में ग्रामीणों ने राधे तांती को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। बांका के अमरपुर स्थानीय रेफरल अस्पताल में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। टीकाकरण के पहले ही दिन लगभग 100 कर्मियों को वैक्सीन लगाया गया। अस्पताल परिसर में कैंप का आयोजन करते हुए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ANM कर्मी को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा वैक्सीन दिया गया। मौके पर मौजूद अस्पताल परिसर के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने बताया कि सभी कर्मियों का नाम पता और मोबाइल नंबर की जांच करते हुए सभी को वैक्सीन दिया जा रहा है और वैक्सीन देने के बाद कर्मियों को आधे घंटे के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा रहा है। भागलपुर के इसाकचक बुढ़िया काली मंदिर के समीप दीपक कुमार शर्मा द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों और चौक चौराहों पर गरीबों के बीच भोजन का वितरण किया गया। दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि विगत 8 वर्षों से ब्लड डोनेशन, स्वच्छता अभियान, नो प्लास्टिक डे और नो तंबाकू डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलवार को केंद्र के छात्र छात्राओं के सहयोग से जरूरतमंदों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया गया। इसके अलावा बच्चों को चॉकलेट भी दिया गया। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीनेट की वार्षिक बैठक में 6 अरब रुपए घाटे का बजट हुआ पेश, हंगामे के बीच सदस्यों ने अधिकारियों की खोली पोल। राजेंद्र मंडल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, रंगदारी और जमीन विवाद को लेकर हुई थी हत्या। इंटरमीडिएट परीक्षा में लगातार जारी है छात्रों द्वारा नकल करने का सिलसिला, दूसरे के बदले परीक्षा देते, फिर पकड़े गए 2 छात्र, 1 निष्कासित।
एक्शन में दिखे डीएम, नाथनगर प्रखंड और रेफरल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। और ओएलएक्स पर आईफोन बेचने की कोशिश पर युवक को लगी चपत, ग्राहक बनकर आया बदमाश, मोबाइल लेकर हुआ फरार। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।